उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहर है और यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या यूं कहें कि कई जिले हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। श्रावस्ती खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भी मुख्यमंत्री ने बांटी है, उस पूरे इलाके का जायजा भी लिया, सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये श्रावस्ती का बाढ़ग्रस्त इलाका है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जब भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और बड़ा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है, और मुख्यमंत्री आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने जायजा किया, सर्वेक्षण लिया, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोग हैं उन लोगों से भी बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की श्रावस्ती में, और श्रावस्ती में किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को न हो, इसका निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया। और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे, अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की ओर टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके, आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे उनको हमने सम्मानित किया, और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की प्रवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है, और उन सभी जवानों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे।